हाय गाइस, कैसे हो? सो आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे हो। मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किन केयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग लेके आई हूँ। तो हम लोग आज एक फाउंडेशन का रिव्यू देखने वाले हैं और मैं आप लोगों को सिर्फ अभी मेकअप करके नहीं दिखा रही हूँ, मतलब मेकअप में आप लोगों को हर दो दो घंटे में कैसे दिख रहा है ना, ये हम लोग सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग आज जो फाउंडेशन रिव्यू करने वाले हैं वो है ये अफ्लेजा के फाउंडेशन गाइज। और क्योंकि इनका दावा है कि ये स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, किसी भी क्लाइमेट में बहुत अच्छे से चलता है, किसी भी स्किन टाइप पे चलता है, तो सब कुछ आज टेस्ट करेंगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और इसमें मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ शेड्स है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सा शेड ले, कौन सा स्किन टाइप के लिए, मतलब कौन सा स्किन टोन के लिए कौन सा है, क्योंकि बहुत ईजी किया है उन्होंने। उन्होंने फेयर है आपका स्किन टोन तो ये वाला है, लाइट के लिए ये है, लाइट मीडियम के लिए ये है, मीडियम के लिए ये है, और ये डार्क और ये डीप, बस इतने ही स्किन टोन्स होते हैं हमारे, फेयर, लाइट, लाइट मीडियम, मीडियम डार्क या डीप। तो बहुत ही अच्छे से कवर किया है सिर्फ 6 फाउंडेशन से, और इसमें आप लोग हर एक स्किन टाइप और हर एक अंडरटोन को कवर कर सकते हैं। सबके स्वॉचेस में आप लोगों को दिखाऊंगी। इन्वेस्ट अगर करना चाहते हो तो ये 1199 का है एक प्रोडक्ट, मतलब एक फाउंडेशन 1199 का है, और एंड में देखते हैं। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हो PS20 तो आप लोगों को 20% ऑफ भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है ये ऑफर, तो 20% ऑफ में बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। लेट्स सी हाउ इट इज। मैं फर्स्ट टाइम आज यूज करने वाली हूँ, आप लोगों को जल्दी से स्वॉचेस दिखा देती हूँ कौन सा कलर कैसे दिखता है, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी ये तीन फाउंडेशन उन्होंने फेयर के लिए रखे, तो अभी मैं आप लोगों को पहले स्वॉचेस दिखाती हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा मेरे स्किन टोन के लिए मैच है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फेयर, ओके ये है फेयर स्किन टोन के लिए, ये है लाइट स्किन टोन के लिए, और एक है ये है लाइट मीडियम। तो ये तीन है, पहले हम लोग ये तीन स्वॉच करके देखते हैं। तो बहुत ही क्यूट है इनका बॉटल, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मोस्टली ये लेड बहुत ही प्यारा है, सुपर लग रहा है। थोड़ा शेक कर लो अच्छे से, ये ड्रॉपलेट उसमें आप लोगों को फाउंडेशन मिल जाएगा। तो ये आ गया है फेयर, देखो अगर आप लोग नॉर्थ में रहते हो गाइस तो ये सुपर्ब है आप लोगों के लिए, आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी भी क्लाइंट को अगर फेयर मेकअप चाहिए तो दिस इज द बेस्ट शेड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वार्म अंडरटोन भी है, जो इंडिया में कितने भी फेयर होते हैं लोग बट फिर भी उनमें एक वार्मनेस होता है, तो इसलिए ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग नॉर्थ साइड में रहते हो या बहुत फेयर क्लाइंट है। ये है लाइट स्किन टोन के लिए, तो ये है लाइट स्किन टोन के लिए 03 लाइट मीडियम, तो बहुत अच्छा वार्म शेड है गाइज, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये लाइट मीडियम शेड। ओके ये है मीडियम, इससे थोड़ा सा डार्क है। तो गाइज ये 6 फाउंडेशंस है अफ्लेजा ने जो लाए हैं, वो एक है फेयर, एक है लाइट फेयर, एक है लाइट मीडियम, एक है मीडियम, फिर ये है डार्क, और ये है डीप। तो आप इसमें हर एक इंडियन स्किन टोन को कवर कर सकते हो गाइज। अगर आप लोग नॉर्थ में रहते हो, बहुत फेयर क्लाइंट्स हैं आपके, तो आप लोग ये वाला फेयर शेड यूज कर सकते हो, और ये वाला, ये दोनों आप लोग अपने वैनिटी में रख सकते हो। और लाइट मीडियम अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फेयर नहीं, मेरे जैसा स्किन टोन है किसी का, तो आप लोग लाइट मीडियम और मीडियम उन पे यूज कर सकते हो। लाइट मीडियम में थोड़ा सा पीछे शेड है, और मीडियम अगर आप देखोगे तो एकदम वार्म टोन। हमेशा गाइज मीडियम स्किन टोन के जो होते हैं वो न्यूट्रल अंडरटोन में होते हैं, तो हमें पीच और येल्लो दोनों का इन्फ्लुएंस दिखता है चेहरे पे, तो इसीलिए आप लोग ये दोनों मिक्स करोगे तो एकदम न्यूट्रल फाउंडेशन बन जाएगा, लाइट मीडियम एंड मीडियम। और फिर ये वाला फाउंडेशन है गाइज, ये है डार्क स्किन टोन के लिए, जिसमें बहुत ही अच्छा एक गोल्डन अंडरटोन है, और ये डीप बहुत डार्क स्किन टोन के लिए, जिसमें होता है ऑरेंज। सारे फाउंडेशन आप लोग यूज कर सकते हो गाइज अपने क्लाइंट्स के साथ। इसका रिव्यू भी शेयर करूंगी, मैं आज खुद फर्स्ट टाइम इसको यूज करने वाली हूँ, सो लेट्स सी कैसे परफॉर्म करता है ये। और सिर्फ मेकअप करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी ये टिका की नहीं, तो अभी बजे है ओके अभी 151 हुए है मेरे, मतलब मेरे यहाँ पे 151 दोपहर के, तो मैं रात तक आज बाहर हूं, मतलब मेकअप करके अभी शाम को मुझे एक मैच देखने जाना है, तो वहां पे बहुत धूप होगी, तो लेट्स सी कैसे परफॉर्म करता है क्या है, क्योंकि उनका दावा है कि ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, ब्राइड्स के लिए एकदम परफेक्ट है, तो हम लोग देखते हैं कैसा है। और ये पेड कोलैबोरेशन नहीं है गाइस, तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, यू कैन ट्रस्ट मी। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपने स्किन को प्रेप कर रही हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने ये मेक मोर का मॉइस्चराइजर लिया है, मेरी स्किन ड्राई है, टोनर नहीं लगाएंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर टोनर लगा लीजिए,
और वैसे भी अभी बहुत समर, मतलब बहुत धूप है यहाँ पे और एकदम समर स्टार्ट हो गया है यूएस में. सो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली समर स्टार्ट हो गया है. बट धूप इतनी तेज है माय गॉड कि दोपहर बाहर ही नहीं जा सकते. तो मुझे शाम को 5 बजे जाना है मैच देखने के लिए. तो हम लोग के यूएस में यहाँ पे विमेन्स क्रिकेट लीग हो रहा है और जिसमें मैं भी थी और मैं वाइस कैप्टन भी थी टीम की. बट देन क्या हुआ कि मेरा जो बैक है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बीच में ही और मुझे फाइब्रॉइड्स का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो इसलिए ये सब लेके मैं नहीं खेल पाई. तो मैंने नेम अपना निकाल दिया टीम से. बट देन मेरी टीम खेल रही है आज. तो लेट्स सी, मैं उनको जा रही हूँ चेयर अप करने के लिए. लेट्स सी वो लोग कैसे खेलते हैं, क्या होता है. प्राइमर के लिए आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, प्रोफेक्स का सीरम प्राइमर, या तो फिर आप लोग सिलिकॉन ऑयल भी यूज कर सकते हो. अभी ये भी हो गया है, अब थोड़ा सा करेक्शन करते हैं. तो करेक्शन के लिए मैं अप्लाइज़र का ही सॉफ्ट ग्लैम बेस पैलेट यूज कर रही हूँ और उसमें से ये वाला कलर ले रही हूँ. ठीक है, ये डार्क येलो कलर, जिससे मेरे जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह है, दाग, तो सब छुप जाएंगे. मुझे यहाँ पे एक्चुअली माइक्रो नीडलिंग की वजह से थोड़ा पिगमेंटेशन हो गया था जो अभी लाइट हो गया है. तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज वेरी टेंस. में बहुत टेंशन आता है, मेरे चेहरे पे थोड़ा भी कुछ भी हो जाता है तो सबको ऐसा लगता है, राइट? तो इसीलिए आई वॉज वेरी टेंस्ड बट अच्छे से ख्याल रखा है. उसके बाद थोड़ा अभी कम हो गया है, राइट? दिख नहीं रहा है ना अभी. वरना अगर आप लोग लास्ट के मेरे 2-3 वीडियोस देखोगे तो उसमें बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा था के बराबर ही. अगर आप लोग नजदीक से भी देखोगे तो बहुत ही थोड़ा सा करेक्शन किया है, थोड़ा हल्का सा कवरेज दिया है. मैंने लिया है मीडियम शेड का फाउंडेशन. अगर मुझे लगा ये डार्क है तो फिर हम लोग इसमें एक लाइट मीडियम शेड ऐड कर देंगे. ठीक है, तो मैंने लिया है अप्लाइजर का मीडियम शेड. तो अगर आप लोग मेरे स्किन टोन के वाइज तो आप लोग मीडियम ले सकते हो. और फिर उसमें थोड़ा सा मैं सिलिकॉन ड्रॉप, तो अभी मैंने बोला आपको, राइट, कि कैसे आप लोग फाउंडेशन को हाई कवरेज फाउंडेशन को भी शेयर कवरेज में ला सकते हो. तो आप लोगों को ऐसे एक सिलिकॉन ड्रॉप या मॉइस्चराइजर ऐसे आप लोग ऐड कर सकते हो अपने फाउंडेशन में, ताकि आपका फाउंडेशन बहुत ही एकदम लाइट कवरेज में आ जाए, बहुत थिक ना लगे. ठीक है, और मैं ले रही हूं अपना ब्रश लगाने के लिए. तो हमेशा याद रखो, फ्लैट ब्रश से अगर आप लोग मेकअप करते हो तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा नेचुरल लगता है. ओके, ठीक है, ये अच्छे से सेट हो रहा है स्किन में. तो आई डोंट थिंक मुझे और कुछ भी लगाने की जरूरत है. अब देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है फाउंडेशन. और सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से स्किन में ये सेट हो रहा है. फिर मैंने अपना ब्लेंडर लिया है और थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ. और थोड़ा सा जो बचा है वो थोड़ा फाउंडेशन ले रही हूँ यहाँ पे और ब्लेंड. ओके, तो अभी थोड़ा सा मैं कंसीलर ले रही हूँ, टार्ट का कंसीलर इन शेड मीडियम. हमको लगाना है, लिपस्टिक बहुत अच्छा दिखता है. तो हमेशा लिप्स के कॉर्नर्स पे कंसीलर लगाइए. और अभी जितना कम प्रोडक्ट लगाते हो उतना क्रीजिंग कम होता है. ओके, और ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ. अभी कंसीलिंग हो गया. अभी हम लोग कॉन्टोर के लिए भी मैं उनका ही फाउंडेशन है डीप शेड में, ये वाला यूज कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि वैसे भी क्रीम थोड़ा क्रीज हो जाता है, गर्मी में निकल जाता है और लिक्विड नहीं होता है क्रीज, या निकलता भी नहीं है. तो अगर इससे अच्छा काम हो रहा है तो आई एम थिंकिंग लेट्स यूज एंड सी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ. तो वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. ओके, तो ये कलर दिख नहीं रहा है डीप कलर इतना, तो उसमें थोड़ा सा मैं ये डार्क शेड भी मिक्स कर रही हूँ. Okay, दोनों 5 और 6 नंबर के जो उनके थे दोनों भी मिक्स कर रही हूँ. तो गाइज अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पाउडर से सेट कर लेते हैं पहले ना, इसको ब्लेंड करते हैं. अगर ये लाइंस में सेटल हो गया है तो इसको पहले हमको ठीक करना है. मैंने आईब्रो सेट कर लिए, ठीक है, और फिर आर ग्लास का पाउडर ले रही हूँ मैं, मीडियम शेड है इसका. उनका एक ट्रांसलूसेंट भी आता है बट आप लोगों को मीडियम लेना है, ट्रांसलूसेंट फेयर के लिए है. और
रिंग हाईलाइट एक पाउडर सब हो गया है, थोड़ा सा ब्लश ले रही हूँ मैं। तो ये नताशा डेनोना का पैलेट है। बस थोड़ा सा आई मेकअप करता है क्विक, ज्यादा कुछ नहीं करने वाले है, तो उसके लिए भी मैं ये अप्लेजा का ही यूज कर रही हूँ। ये आई थिंक 699 या 799 का कुछ एक आता है। और अगर आप लोग अप्लेजा के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो गाइस, तो उनके साइट पे आप लोगों को 20% ऑफ मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हो तो। और इस कोड में मुझे कुछ कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, आप लोगों के लिए है। तो यूज करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो उनके प्रोडक्ट्स, तो बाय कीजिए, बहुत अच्छे हैं उनके प्रोडक्ट्स। अपने ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ ये प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो आप लोग बाय कर सकते हो। और उनके देखो ये कितना क्विक हो जाता है और कितना अच्छा भी दिखता है, राइट। तो बस इतना ही क्या करना है और छोड़ देना, दैट्स इट। और ये एकदम मल्टी यूज है, तो आप लोग एज अ आई शेडो बेस इसको यूज कर सकते हो, सिर्फ इसको ही एज अ आई शेडो यूज कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया है, या तो फिर आप लोग एज अ आई लाइनर भी यूज कर सकते हो इसको। तो आप लोगों को जो कलर चाहिए आप लोग ले लो और एज अ आई लाइनर भी इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, शीन का है, आई थिंक ये डार्क चॉकलेट है कलर, इस पर नाम नहीं लिखा है, बट मैं दो ही शेड्स यूज करती हूँ शीन के, एक तो मोजा भी, एक तो डार्क डार्क कॉफी, आई थिंक दिस इज डार्क कॉफी, आई थिंक ये मोजा भी है, थोड़ा लाइट है, डार्क चॉकलेट थोड़ा सा डार्क है इससे। तो गाइज अभी सब हो गया है, आई मेकअप भी हो गया है, अभी थोड़ा सा मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा ब्लू कलर का है, कलर पॉप से लिया है मैंने। और ये मेकअप तो हो गया है बट मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैं जल्दी से जल्दी खाना खाती हूँ और फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाया। फिर 3 बज गए हैं अभी, हमने 2 बजे स्टार्ट किया था, 1:51 को ऐसे कुछ स्टार्ट किया था, तो अभी 3 बज गए हैं, 1 घंटा लगा मैं यहाँ वहाँ अंदर बाहर करते करते हो गया है। सो लेट्स जल्दी से, तो मैं जल्दी से खाना खाती हूँ और फिर लिपस्टिक फाइनल कोट दे दूंगी। सो अभी जस्ट मेरा खाना हुआ, दाल बनाया मैंने शाम के लिए उनके लिए, क्योंकि मुझे अभी जाना है मैच देखने के लिए। और मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ, मैं शायद ये वाला पहनूंगी अभी, मैं जल्दी से आके चेंज करती हूँ। और मेकअप अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो गाइस अभी हम लोग निकले हैं और बहुत ज़्यादा धूप है, आप लोग देख सकते हो। तो 5 बजे है अभी शाम के और अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड। सो लेट्स सी हाउ द मेकअप स्टेज, और मैं आप लोगों को टाइम टाइम चेकिंग करके दिखाऊंगी कैसा है। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे ग्राउंड पे और अभी हमारी टीम खेलने वाली है। So I just hope they win and they'll win, they'll win, 100% they'll win. So yes, we need to win. Yes, we'll win. Yeah, okay. Yeah, you guys will win. So let's see how it goes. Chalo. Okay, abhi 7 baje guys and I think makeup is still nice. It's good. Okay, guys. गाइज हमारी टीम जीत गई है मैच, आई एम सो हैप्पी। हम लोग जीत गए हैं और बहुत मजा आया। रियांश डिड यू एंजॉय? रियांश बहुत बोर हो गया बट मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा मैच था। बाय द मेकअप इज इंटैक्ट। सो गाइस अभी 9 बजे है रात के, मैं अभी जस्ट घर आई हूँ और आप देख सकते हो मेरा फाउंडेशन हिला भी नहीं है। ओ माय गॉड इतना अच्छा है फाउंडेशन, आई रियली कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना फ्रेश लग रहा है फेस, और मैं पूरा वहां पे इतनी चिल्लाई, इतना चेयर अप, इतना मतलब इतना मजा आया, बहुत मजा आया। मेरा शूट किसी ने नहीं किया, एनीवेज इट्स ओके। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है फेस, और मैं तो इसको रेगुलरली यूज करूंगी अपने फेस में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और आप लोग भी ले सकते हो, इट्स 1199। तो मेरा 100% आप लोगों को रेकमेंडेशन मैं करती हूँ। देखा ना, तो अभी कहीं पे क्रैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, वेरी नाइस लुक, मेकअप इंटैक्ट है। सो यूज दिस ऑन योर ब्राइड, इट्स वेरी अफोर्डेबल। अगर आप लोग मेरा कोड यूज कर 20 तो आपको 20% ऑफ मिलेगा अफ्लर्जा के साइट पे। सो डू चेक आउट दिस फाउंडेशन, इट इज अमेजिंग अमेजिंग। ओके, चलो बाय गाइस, सी यू ऑल टुमारो, बाय।